आज क्या पढ़ना है बच्चों हमको? गॉस लॉ पढ़ रहे थे हम लोग। ई ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर निकाला था। अब हम बात करेंगे किसकी? ई ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर की चार्ज डेंसिटी जो है वो रो के बराबर। दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। This is charge per unit. Radius is capital R. तो हम इसके लिए linear charge density भी define कर सकते हैं। या चार्ज पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें तो वो क्या होगी? देखो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एल। एल लेंथ पे इतना चार्ज है तो यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज हो गया, तो ये वैल्यू आ गई रो इनटू पाई आर स्क्वायर। मतलब लैम्डा और रो में ये रिलेशन रहे, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ और रो क्या है चार्ज पर यूनिट। ऐसा सिलेंडर उस इनफाइनाइटली लॉन्ग है उसके वजह से हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी।
इट एक्सटेंड्स अप टू इनफिनिटी तक एक्सटेंड भी हो रहा है. पूरी जगह पर चार्ज पहले और अभी में डिफरेंस समझाना. पिछली क्लास में जो हमने चार्ज लिया था वो सिर्फ लिया था सरफेस पे. अभी जो मैं चार्ज ले रहा हूँ वो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में कंसिडर कर रहा हूँ. अब देखो मान लो ये तो लाइन जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्या एक्सेस है ना, और एक्सेस से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा. कैपिटल आर इसकी रेडियस. तो जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है इसके जैसे भाई बंधु तलाश करो. मतलब ऐसे और कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ही रहेगी इस वायर के चारों तरफ मूव कर जाए पूरे आर डिस्टेंस. तो सब जगह इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ई ही रहे और क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चले जाए तब भी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो ई ही. अब मेरे पास क्या है बच्चों, एक सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार हो गई. अब ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार हो गई है ये सरफेस सरफेस की बात कर रहे हैं. वॉल्यूम से तो फ्लक्स निकालते ही नहीं है. फ्लक्स सिर्फ कहाँ से निकालते हैं, सरफेस से निकालते हैं. वॉल्यूम के चार्ज की वजह से निकाल सकते हैं. हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से सिमेट्रिक डायरेक्शंस में होगा. चारों तरफ होगा इलेक्ट्रॉन. तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस हमने कंसिडर करी है इस पे गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं.
कुछ बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे हैं, वो डाउट बच्चों के अभी नहीं बताएंगे, कॉमन सबके साथ वो क्या है आप अलग से पूछ लेना कभी व्हाट्सएप पे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, क्योंकि इट विल अगेन टेक ए लॉट ऑफ टाइम, तो अभी वो नहीं बताऊंगा। अब देखो ये एल लेंथ का सिलेंडर है, तो इस पे हम लिख देते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड बाई एप्साइलॉन नॉट। ये ई कौन सा वाला होगा, क्योंकि अपन इस सरफेस से ही फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इस सरफेस वाला ही ई होगा, यानी स्मॉल आर डिस्टेंस वाला। तो ई इंटू टू पाई आर एल, ये तो आ गया फ्लक्स। अंदर कितना चार्ज है, अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लिखूं, तो ये बाहर वाले सिलेंडर के अंदर अंदर जो है यही एल लेंथ का सिलेंडर है अभी, तो चार्ज लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एल से एल कैंसिल हो गया, तो ई की क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो टू टू इट विल कम आउट टू बी टू के लैम्डा बाई, आई मीन एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द हॉलो सिलेंडर, है ना, फॉर पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड, फॉर ऑफकोर्स फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। नाउ व्हाट अबाउट पॉइंट्स विच लाई इन साइड दिस सिलेंडर, देखो वो कैलकुलेट करते हैं फॉर पॉइंट्स विच लाई। ये समझ में आ गया सबको, ये नोट कर लिया बच्चों। देखो क्या है, अब हमें पता करना है E at R less than capital R। देखो to calculate E at R less than capital R, जैसे मान लो कि इस वाले पॉइंट पर आपको E पता लगाना, तो हम क्या करें, इतने ही डिस्टेंस पर चारों तरफ चले जाते हैं और एक छोटा सा सिलेंडर बना लेते। ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस आई है, इस सरफेस पर मैं गॉस लॉ लगभग अप्लाई करता, इसकी लेंथ एल। तो हर जगह सिमेट्री से ई बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रल ई डॉट डी एस is equal to q inside by epsilon naught। Integral e dot ds को लिख दूंगा e into 2 pi r l, और अंदर जो q है वो कितना है, वो हो जाएगा डेंसिटी into pi r square l,
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अच्छा ध्यान दो, क्या इस वाले चार्ज को लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं? इस वाले चार्ज को लैम्डा इंटू एल नहीं लिख सकते, क्योंकि लैम्डा क्या था? रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हमें तो अब स्मॉल आर रेडियस जो कि कैपिटल आर से कम है, ये जो नीला वाला सिलेंडर मैंने बनाया था, इस नीले सिलेंडर के अंदर अंदर कितना चार्ज है वो लिखना है मेरे को। तो आई कैन नॉट यूज द रेडियस कैपिटल आर फॉर दैट, उसके लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, स्मॉल आर ही यूज करना पड़ेगा। और लैम्डा का रिलेशन तो कैपिटल आर से है, तो अब ध्यान दो, अब आप चार्ज को इस नीले वाले सिलेंडर के अंदर चार्ज को लैम्डा इंटू एल नहीं लिख सकते, या यूं कहूं कि लैम्डा एल लिख सकते हो तो लैम्डा को रो इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते। ऐसा लिखना पड़ेगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो ई की क्या वैल्यू आ जाएगी, रो आर बाय टू एप्सिलॉन। ई के दो एक्सप्रेशन आ गए, ई एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर तो टू के लैम्डा बाय आर ही आ गया। लैम्डा को चाहो तो आप रो के टर्म्स में लिख सकते हो, टू के रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर, और के को वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिख करके तो कितना हो जाएगा, रो आर स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये ई एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखो इनफाइनाइट चीज का मतलब क्या है, इनफाइनाइट चीज का मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव इवन अ फाइनाइट लेंथ का वायर, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक उसके बहुत पास वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वो पास वाले पॉइंट के लिए जैसे इन पॉइंट्स पर कैलकुलेट करना, तो दिस कैन बी ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली लॉन्ग, दिस इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब क्या है, इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस लेंथ इज वेरी लार्ज, इट कैन बी इंटरप्रेटेड लाइक। और ई एट आर लेस देन कैपिटल आर क्या आ जाएगा, रो R by 2 epsilon। देखो R greater than capital R पे तो E R के inversely proportional है, और E at R less than R के लिए तो E R के directly proportional है। graph बनेगा ना इसका, तो ऐसा आएगा, E versus R का graph कैसा आएगा बच्चों, ऐसा straight line फिर hyperbola, पहले स्ट्रेट लाइन फिर हाइपर, ऐसा ग्राफ करें। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, हाइपरबोला, हाइपरबोला तुमने कॉनिक सेक्शन मैथ्स में पढ़ा होगा ना, y इक्वल टू वन बाई एक्स टाइप का जो ग्राफ होता है दैट इज
दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन. और कोनिक कोनिक सेक्शन करके एक चैप्टर आता है, उसमें पढ़ोगे आप कोनिक सेक्शन. ये ग्राफ समझ में आया बेटे कैसा होगा? अच्छा, हॉलो सिलेंडर का ग्राफ कैसा होता? हॉलो सिलेंडर का ग्राफ कैसा होता? पहले जीरो, फिर अचानक से बढ़ता और फिर वापस. ओके अच्छा देखो, एक आध चीजें मैं तुम्हें थोड़ी बहुत बोर्ड के वाले भी बता देता हूँ. जैसे बोर्ड्स में क्या होता है, पूछते हैं कि डिराइव ई ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट having charge density sigma with the help of Gauss. तो कैसे कर सकते हैं इसको? बोर्ड के काम का नहीं रहा अब, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन अपन गॉस लॉ की एप्लीकेशन के लिए तो इसको पर देख ही सकते हैं. इट वाज अ गुड गुड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इन इट. तो देखो हम क्या करते हैं, हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर करते हैं. कंसिडर अ सिलेंड्रिकल सरफेस लाइक दिस. जब भी हम कहते हैं कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि एक तरफ सिग्मा, दोनों तरफ सिग्मा नहीं है, एक तरफ. तो व्हाट वी डू इज कंसीडर अ सिलेंड्रिकल सरफेस हुज लेंथ इज
परपेंडिकुलर टू द शीट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पैरेलल टू द एरिया ऑफ द शीट. ये इसके पैरेलल की है ना. अब देखो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि ई का डायरेक्शन तो शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा. अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे कि E flux, अब इसको मैंने ये से क्लोज सरफेस बना दिया है ना, ऐसे ढक्कन लगा दिए तभी जाकर के क्लोज सरफेस बनेगी. तो मैं क्या लिखूंगा, इस क्लोज सरफेस पर E डॉट ds इक्वल टू इसके अंदर जितना चार्ज है दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब E डॉट ds जब मैं करूंगा तो फॉर कर्व सरफेस, जो कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर है उसके लिए तो E डॉट ds जीरो हो जाए, है ना. E डॉट ds विल बिकम जीरो फॉर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द और ये जो दो फ्लैट सरफेसेस हैं उनके लिए ई क्या है, नॉर्मल वेक्टर के ही पैरेलल दोनों के लिए, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल के डायरेक्शन में लेंगे एंड और दोनों जगह बराबर बराबर डिस्टेंस पे कंसिडर किए हैं तो यहाँ इंटेंसिटी ई है तो यहाँ भी ई मान सकते हैं. तो फॉर फ्लैट सर्फेसेस ऑफ द सिलेंडर ई डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये सिलेंडर जो मैंने कंसिडर किया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ डी ए है तो ई डॉट डी एस कितना हो जाएगा ई डी ए और दोनों से मिलाकर के हो जाएगा 2EDA. तो ये इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 2EDA. एक फ्लैट सरफेस से EDA, दूसरी से भी EDA इक्वल टू क्यू इनसाइड. अब इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कौन सा है, जो ये शीट का ये वाला एरिया का चार्ज है वही तो सिर्फ इस सिलेंडर के अंदर चार्ज है. तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज हो गया सिग्मा इनटू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये गॉस लॉ कहता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बराबर डी ए से डी ए कैंसिल हो गया. तो यानी ई की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट आ गई कि नहीं, आ गया सिग्मा बाय टू एप्साइलॉन.
समझ में आए बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? How to calculate E due to infinitely large sheet with the help of Gauss law? Gauss law की मदद से E due to infinitely large sheet कैसे calculate करना? अगले पेज पे चलें भाई। अब जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो बराबर है किसके? रो नॉट स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर। तो हमें पता करना है फाइंड ई एट small r equal to r by 2, where small r is distance from the center of the sphere. हमने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया होगा, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का अभी, लेकिन हमें गॉस लॉ की मदद से इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। देखो कैसे करते हैं, मैं एक बता दूंगा। हम क्या करें, इसके अंदर एक एक्स रेडियस और डीएक्स विड्थ का पोर्शन कंसिडर। Consider a sphere of width dr and radius small r. अच्छा, हमें intensity of electric field कहाँ पता लगानी है? At distance r by r by 2 डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा। तो क्या करें,
जितनी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है उतनी रेडियस की एक गॉशियन सरफेस बना। गॉशियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस। कंसिडर अ स्फेरिकल सरफेस of radius capital R by T capital R by 2 radius ka hum spherical surface consider kar इसके हर पॉइंट पर ई सेम होगा। अप्लाई गॉस लॉ ओवर दिस सर गॉस लॉ क्या कहता है अब E डॉट ds की वैल्यू हो जाएगी E into 4 पाई r by 2 का और q इनसाइड मुझे क्या लिखना है इस स्फेयर के अंदर अंदर कितना चार्ज इस स्फेयर के अंदर अंदर कितना चार्ज है वो कैसे लिखूं देखो ये जो मैंने शेडेड किया हुआ था ना पोर्शन इतने हिस्से में चार्ज लिख देता हूं फिर ऐसे ऐसे डीआर डीआर विड्थ के कई सारे स्फेयर बनाऊंगा जिनकी रेडियस जीरो से कैपिटल आर बाय टू तक वेरी कर दूंगा तो पूरा जीरो से आर बाय टू में कितना चार्ज है वो आ जाएगा तो वो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डेंसिटी which is rho naught small r square by capital R square into 4 pi r square dr and let me integrate it from 0 to r by 2 so ye aa jayega e into 4 pi into r square by 4 this is equal to 1 by epsilon naught into rho naught 4 pi by capital R square R की पावर 4 dr का इंटीग्रेशन तो वो हो जाएगा 1 by 5 small r की पावर 5 तो r by 2 की पावर तो क्या आ जाएगा बेटे ये 4 pi से 4 pi कैंसिल होता है और e की वैल्यू कितनी आ गई 4 rho naught by 5 epsilon naught into 1 by r की power 4 into r की power 5 by 2 की power 5 2 की power 5 को 32 लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा rho naught r divided by 40 epsilon naught ऐसी इंटरेस्ट ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों देखो बच्चों इस पॉइंट पर हमने पहले भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी होगी लेकिन वो हमने कैसे कैलकुलेट करी थी वो हमने उसको कई सारे
शेल्स से माना था, है ना। अभी गॉस लॉ से सर डीएस कैसे लिखा, हाउ डिड यू राइट डीएस, किधर बेटे, एलएचएस में या आरएचएस में? दो जगह डीएस लिखा है मैंने, तो आप कौन सा वाला पूछ रहे हो, एलएचएस वाला या आरएचएस वाला? एलएचएस, एलएचएस इज वेरी सिंपल। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कौन सी सरफेस से निकाल रहा हूँ, देखो आर बाई टू रेडियस की स्फेरिकल सरफेस निकाल रहा हूँ, तो स्फेयर का टोटल एरिया क्या होता है, फोर पाई रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो गया फोर पाई कैपिटल आर बाई टू का स्क्वायर। ये वाला जो सरफेस है ना, कौन सी वाली बेटे, ये वाली, ये इसका एरिया निकाला। आरएचएस वाला इक्वेशन एक बार समझाओ, आरएचएस में मैंने क्या किया, देखो मेरे को क्या करना था, कैपिटल आर बाय टू के अंदर कितना चार्ज है वो लिखना था, ऑल आई नीडेड टू राइट वाज चार्ज इनसाइड दिस कैपिटल आर बाय टू के अंदर कितना पूरा चार्ज, चार्ज को बेसिकली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से लिख सकते हो प्रोवाइडेड डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ तो डेंसिटी वेरिएबल है, इफ द डेंसिटी इज वेरिएबल हाउ डू आई राइट दिस, तो मैंने क्या कहा कि एक देखो तो वैसे वेरी कर रही है लेकिन डी आर विड्थ में तो कॉन्स्टेंट मान सकते हैं ना, डी आर विड्थ में कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, डी आर थिकनेस में डेंसिटी को कॉन्स्टेंट मान सकता हूँ, तो डी आर थिकनेस वो कहाँ पे है, डी आर थिकनेस है स्मॉल आर डिस्टेंस पर, dr थिकनेस कहां पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो उसका एरिया कैसे लिखा, dr थिकनेस का वॉल्यूम कैसे लिखा, dr थिकनेस का वॉल्यूम मैंने लिखा सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर dr, है ना, तो जो डेंसिटी थी उसको इस छोटे से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, डेंसिटी को क्या किया बच्चों, ये जो है छोटा सा वॉल्यूम, ये जो ब्लू कलर में शेड किया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब स्मॉल आर को वेरी कर रहे हैं अपन, स्मॉल आर को वेरी कर रहा हूं जीरो से कैपिटल आर बाय टू, समझ में आया बच्चों चार्ज कैसे लिखा हमने, हो गया भाई नोट कर लिया सबने, अच्छा देखो बच्चों एक जेई एडवांस का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसी तरह के कंसेप्ट पे आधारित था वो क्वेश्चन, मैं तुम्हें कराता हूँ देखो कैसा है वो, देखो कैसा है,
ये मुश्किल दिस वन एक्सरसाइज थ्री पार्ट वन, ये जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है 2, 3, 4 देख पा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन? हाँ बच्चों ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या आया बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया? यस यस वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। एक ही आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर बताया। देखो गॉस लॉ लगाओ आप, तो कैपिटल आर डिस्टेंस पे ई पता लगाना है ना, कैपिटल आर रेडियस का एक सरफेस बना दो स्फेरिकल सरफेस, और उस स्फेरिकल सरफेस पर गॉस लॉ लगाओ।
अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। बहुत सारे लोगों ने तो नहीं दिया, तीन चार लोगों ने दिया है, लेकिन जिसने भी दिया है सही दिया है। देखो क्या लॉजिक है बच्चों, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हम कैपिटल आर रेडियस का एक गॉशियन सरफेस बना दें। ड्रॉ अ गॉशियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर। गॉशियन सरफेस मतलब एनी क्लोज सरफेस इज अ गॉशियन सरफेस। तो क्या होगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज जो अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ टोटल चार्ज तो जेड ई है ना, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है, लेकिन टोटल चार्ज तो जेड ई है। तो जेड ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E की क्या वैल्यू आ गई? E की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² × ZE, है ना? इसका मतलब क्या है बेटे? ये स्मॉल ए के तो इंडिपेंडेंट आ गया कि नहीं आ गया? स्मॉल ए के इंडिपेंडेंट आ गया ये। स्मॉल ए के इंडिपेंडेंट आ गया, इसका मतलब क्या है भाई? आंसर आपका क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर ए हो गया कि नहीं हो गया? टू का आंसर हो गया। ये समझ में आया सब लोगों को? इतना समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री करो। क्वेश्चन नंबर थ्री कैसे होगा भाई? फॉर ए इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ डी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो एज शोन इन फिगर। ए इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है बच्चों? ए इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? देखो ये जो ग्राफ इन्होंने बताया, इस ग्राफ का मतलब क्या है कि भाई पूरे कैपिटल आर रेडियस के स्फेयर में चार्ज है, और चार्ज डेंसिटी ऐसा है कि सेंटर से ए डिस्टेंस तक तो कांस्टेंट है, और उसके बाद ए से कैपिटल आर तक वेरी कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लीनियरली डिक्रीज कर रही है। अब अगर ए जीरो बोल देते हैं इसका मतलब क्या है? ए जीरो बोल देते हैं इसका मतलब क्या है कि कहीं पर भी कांस्टेंट डेंसिटी नहीं है, शुरू से ही लगातार कम होती जा रही है ना? शाबाश, चार्ज डेंसिटी इज नेवर यूनिफॉर्म, है ना? तो उस केस में ग्राफ सीधे सीधे ट्राइंगल ही बन जाएगा क्या? डेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ ट्राइंगल बन जाएगा? फॉर ए इक्वल टू जीरो डेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ पूरी तरह से कैसा बन जाएगा बच्चों? ट्राइंगल टाइप का बन जाएगा। डी से चालू हो रहा होगा और कैपिटल आर पे खत्म हो रहा होगा।
ठीक है। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे? थर्ड में हमको क्या करना है बेटे? कुछ नहीं करना, जो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखो आपको क्या है, डेंसिटी का फंक्शन दिया हुआ है पूरी तरीके से, डी आर इक्वल टू 0 पर डेंसिटी डी के बराबर है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है डेंसिटी कम होती जाती है, और R इक्वल टू कैपिटल R पर डेंसिटी 0 हो जाती है। इस डेंसिटी का फंक्शन लिख सकता हूं क्या मैं? Y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो Y इक्वल टू M, M की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल R प्लस डी, ये डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ स्मॉल R आ गई। अब डेंसिटी आपके पास एज फंक्शन ऑफ स्मॉल R आ गई है, आपको ये पता है कि कैपिटल आर रेडियस तक टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट हम करें तो वो किसके बराबर है? वो जेड ई के बराबर है। तो ये जो वेरिएबल डेंसिटी है इससे चार्ज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अपन? तो कैसे लिखेंगे? भले ये डेंसिटी वेरिएबल है लेकिन हमें क्या कंसिडर करना है? एक ऐसा पोर्शन जहां पर डेंसिटी को कॉन्स्टेंट माना जा सके, तो वो पोर्शन ऐसा होना चाहिए कि उसकी थिकनेस बहुत कम हो, है ना, लगभग लगभग स्मॉल आर पे ही अपने को चलना, ऐसा हो जाए। ये वाला इतना पोर्शन आपको कंसीडर इतने पोर्शन में कितना चार्ज है वो लिखना है मुझे, ये पोर्शन की थिकनेस क्या है? इसकी थिकनेस है डी आर और इसकी रेडियस क्या है? आर। तो इस पोर्शन में जो चार्ज होगा बच्चों डी क्यू, वो मैं कैसे लिख दूंगा? यहां की डेंसिटी विच इज माइनस डी बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस डी, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन, है ना, और जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, और वो टोटल चार्ज को जेड ई के बराबर करना है आपने। 4 पाई इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, माइनस डी बाई कैपिटल आर इंटीग्रल आर क्यूब डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर प्लस डी इंटू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, ये पूरा बराबर आ जाएगा किसके? जेड ई। तो क्या आ जाएगा? 4 पाई
माइनस डी बाई कैपिटल आर, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर की पावर 4/4, तो कैपिटल आर की पावर 4/4 प्लस डी आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, ये किसके बराबर आ गया, जेड ई के बराबर। ये आर से यहाँ एक आर कैंसिल होकर के ये भी आर क्यूब आ जाएगा, डी बाहर आ गया, 4π d इधर आ गया, आर क्यूब बाई 3 माइनस आर क्यूब बाई 4, तो ये आ जाएगा आर क्यूब बाई 12 इक्वल टू जेड ई, है ना। तो अपने को किस चीज की वैल्यू निकालनी थी, अच्छा यहाँ पर बाहर तो ये 3 इधर चला गया, तो d की क्या वैल्यू आ गई बेटे, 3ZE डिवाइडेड बाई पाई आर, 3ZE डिवाइडेड बाई पाई आर, तो बी ऑप्शन थर्ड का आंसर क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन। ये बात समझ में आई बच्चों, थर्ड क्वेश्चन समझ में आया। देखो बेसिकली व्हाट दे वांट आईआईटी, व्हाट आईआईटी वांट्स इज कि जब वेरिएबल चार्ज डेंसिटी दी गई हो तो स्टूडेंट्स मस्ट बी कंफर्टेबल इन कैलकुलेटिंग टोटल चार्ज, राइट। हाउ टू कैलकुलेट टोटल चार्ज इन अ स्फेरिकल वॉल्यूम व्हेन चार्ज डेंसिटी इज वेरिएबल, दैट यही कैलकुलेट करवाया उन्होंने इस सवाल में बेसिकली, और कुछ नहीं करवाया। ये नोट कर लिया सबने, फोर्थ क्वेश्चन बताऊं मैं, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन स्मॉल आर, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिपेंडेंट ऑन स्मॉल आर, ऐसा कब होता है, विद इन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन स्मॉल आर, ऐसा कब होता है कि एक स्फेरिकल रीजन में चार्ज हो, स्फेरिकल रीजन में चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, ऐसा तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर में हो जाता है, है ना, ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, नॉट जस्ट एनी सॉलिड स्फेयर, कैसा, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर में ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर में होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर पूरे कैपिटल आर रेडियस तक चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो ए बराबर आ जाए किसके, कैपिटल आर के, तो सी का फोर्थ का आंसर सी आ जाए, है ना। अब देखो वैसे इस कॉम्प्रिहेंशन में क्या था, सेकंड एंड फोर्थ आसानी से कर सकते थे बच्चे, ठीक है, सेकंड और फोर्थ आसानी से कर सकते थे, थर्ड में भी क्या है, जो इंटीग्रेशन से नहीं घबराता वो थर्ड भी कर सकता है, ठीक है, और जो इंटीग्रेशन से घबराएगा वो थर्ड नहीं कर पाएगा, समझ में आई बात बच्चों। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर ऑल बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब हम आगे चलते हैं, हमारे अंतिम सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, अरे मैथ्स का इंटीग्रेशन तो मतलब ये जो इंटीग्रेशन हम बता रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल
गाजर मूली। मैथ्स का इंटीग्रेशन तो बहुत खतरनाक होता है, जितना इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं फिजिक्स में वो मैथ्स के पहले लेक्चर में ही खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर 15-20 दिन तक इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, तो सोचो कितना क्या क्या पढ़ाते हैं। खैर खैर खैर, हम क्या है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, किसकी बात करनी है अपने? अंतिम सेक्शन कंडक्टर्स। कंडक्टर देखो क्या होता है, कंडक्टर्स होते क्या है, मेटलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव विद इन द कंडक्टर इवन ऑन एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ even on application of very small amount of है ना, मतलब वो क्या है, कंडक्टर बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, कोई किसी भी एटम के न्यूक्लियस से मुक्त हो चुके हैं, है ना, उनको बस एक इशारा चाहिए, वो बस चलने को तैयार है, समझ रहे हैं। ऐसे कई सारे अगर बॉडी के अंदर, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे, कंडक्टिंग, है ना। जैसे आप सब लोग बिल्कुल तैयार बैठे हो कि जरा सा इशारा हो जाए और कह दें कि बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो सब तैयार बैठे हैं कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ बिल्कुल अगली क्लास में पढ़ेंगे, हैं बस जरा सा इशारा चाहिए। तो उसी तरह से क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब दे आर फ्री, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एटम। एक लैटिस कई सारे एटम से मिलकर के बना हुआ होता है ना, कई सारे एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ऐसे जैसे तुमको केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म होती है ना, मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के, वो एटम से फ्री हो जाते हैं और फिर एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर आ जा सकते हैं, है ना। तो ये समझाने के लिए एक मॉडल तैयार करते हैं कि पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से एसोसिएटेड नहीं है, वो पूरे लैटिस का पार्ट है। जरा भी अगर कहीं से थोड़ा भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मूव कर जाए। ये होता है क्या, कंडक्टर। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कंडक्टर की, ये कंडक्टर को बहुत खतरनाक चीज बना देता है। ये क्या कर देता है, कंडक्टर को बहुत ही खतरनाक चीज बना देता है। कैसे, कि उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। आप कल्पना करो कि जैसे क्या है, हमारे सामने एक हॉलो स्फीयर, उसको मैं बढ़िया यूनिफॉर्मली चार्ज करके लेके आया,
है ना। अब जैसे ही इस, और ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। अब इसके सामने जैसे ही मैं एक पॉइंट चार्ज रखूंगा ना, तो क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने से अवे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपने तो इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया था, लेकिन इस कैपिटल क्यू की प्रेजेंस में वो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगी, या तो इधर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, या यूं कहें कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इधर की बहुत कम हो जाएगी और इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दूर की तरफ बहुत बढ़ जाएगी। किसकी वजह से, इस कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आई बस ऑन। अब इस कैपिटल क्यू के चार्ज के आने की वजह से इस होलो स्फीयर की चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई भैया। अब नॉन यूनिफॉर्म हो गई, तो नॉन यूनिफॉर्म के तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले भी नहीं पता होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले भी हमको पता नहीं होते हैं, तो उसको फिर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन इनको भी कैसे हैंडल करते हैं, है ना, इनको कैसे डील किया जाता है, कैसे चार्ज डेंसिटी वगैरह लिख करके इनको डील किया जाता है, ये चीज अपन कंडक्टर्स में देखेंगे, है ना। अब कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती, हम बेसिकली कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम जो कंडक्टर लिखते हैं, तो एक्चुअल में इसका पूरा नाम क्या है, कंडक्टर्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, कंडक्टर्स अंदर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। पूरी चीज जो पढ़ने वाले हैं वो अपन ये पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर। तो देखो क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कंडक्टर की ये है, एक आध प्रॉपर्टी मैं तुम्हें कंडक्टर की बता देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसको बाइंड अप करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर वन कंडक्टर की क्या होती है, वो ये होती है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the bulk of the conductor, in the meat of the conductor, जहां पर conducting material present है, उस जगह पर intensity of electric field electrostatic conditions में zero होती है। Intensity of electric field inside अ कंडक्टर या इन द बल्क ऑफ द कंडक्टर या इन द मीट ऑफ द कंडक्टर is zero. Intensity of electric field inside a conductor, in the bulk of the conductor, in the meat of the conductor is zero under electrostatic conditions. सिर्फ सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एट ऑल पॉइंट्स, एनी पॉइंट विच यू कंसिडर इन साइड दिस इज जीरो। और ये मैं अनचार्ज आइसोलेटेड की बात नहीं कर रहा हूं, कैसा भी हो आसपास आप कितने भी चार्ज ला के रख दो, 100 चार्ज ला के रख दो यहां पे,
इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों, जीरो क्यों रहेगी? देखो देखो समझो, क्यों जीरो रहेगी, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, है ना। मान लो कि ई जीरो नहीं होता, मान लो कि कंडक्टर के अंदर ई जीरो नहीं होता। अगर ई जीरो नहीं होता, इसका मतलब क्या है? मान लो यहां पर कुछ ई की वैल्यू है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कुछ इस डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही सही। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना चालू हो गया, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस नहीं रही, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस नहीं रही। तो हम तो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस का मतलब सब कुछ स्थिर है। ऐसा नहीं है जैसे एक तार में से, कॉपर वायर में से करंट जा रहा है, तो फिर वहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट नहीं लगा सकते, दैट इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट पड़ रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस नहीं रह पाएंगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से कंडक्टर के अंदर मूव करने लग जाएंगे। ये बात समझ में आती? हाँ, अगर मान लो कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी हो गई, सम हॉलो पोर्शन इनसाइड द कंडक्टर, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वहां की गारंटी नहीं ले रहे हैं। कहां की गारंटी है? जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस हैं अगर, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होनी पड़ेगी। कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में बहुत काम की चीज होती है। अ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज अ वेरी हेल्पफुल डिवाइस। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक केजिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो केजिंग इफेक्ट एक कंडक्टर प्रोड्यूस कर देता है। या ये जो जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है ना, कैपेसिटर स्टैटिक चार्ज स्टोर करने वाला डिवाइस होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्टार्ट वगैरह करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ये हेल्पफुल नहीं होता, कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में बहुत उपयोगिता है। इसको पढ़ रहे हैं, देखो, तो ये चीज समझ में आ गई सबको। अगली प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर टू, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ई मे बी नॉन जीरो, बट
ई अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस. Must be सरफेस पर. देखो ई अगर जीरो हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है, है ना. लेकिन हाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो ई का सरफेस पे जीरो होना जरूरी. टेंजेंशियल डायरेक्शन में ई जीरो ही हो एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, अगेन टू मेंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन. हाँ, देखो नॉर्मल डायरेक्शन में ई हो सकता है, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहां पर ई अगर ऐसे हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस हो गया ई की वैल्यू, तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा. अब बाहर जाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही फ्री नहीं है, कंडक्टर के अंदर आसानी से मूव कर सकता है ना, कंडक्टर के बाहर तो वैसे भी आसानी से मूव नहीं कर सकता. तो इस डायरेक्शन में ई हो भी जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस मेंटेन हो सकती है, है ना. तो प्रॉपर्टी नंबर टू क्या कहती है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट उसका जीरो होगा. ये प्रॉपर्टी नंबर टू को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि ई at the surface of the conductor will be along the normal to the surface, to the surface will be along normal to the surface of the conductor. ठीक है बच्चों, तो ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना. अब हम बिल्कुल इसके एंड पे आ गए हैं, है ना. बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. एक मिनट रुक जाओ, मैं नोट्स सेव कर. कैपेसिटेंस, हाँ हाँ ओके बच्चों, बाय.